हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आपका बेंटेक्स एसकेएन कपिल वालों का स्टार्टर है और इस पर हम ऑटो स्विच लगाएंगे ओमेगा का, 6 वायर में होता है। ये देखिए ओमेगा का ऑटो स्विच है, छः वायर में होता है और ये 3 बटन के स्टार्टर पर 6 वायर का लगाएं या फिर 9 वायर का लगाएं। इसमें आप तार का कलर कोड देख लीजिए, ये देखिए एक नीला होता है और काला और फिर काला, इसके बाद में लाल, पीला, हरा, तो ये 6 तार होते हैं। तो आपको हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए देखिए स्टार्टर में आपको देखना है अपनी तरफ से, यानी बटन की तरफ से आपको देखना है, चाहे जो भी स्टार्टर हो उसमें आपको बटन की तरफ से देखना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर पड़ रहा है। तो इसमें देखिए लिखा है L1, L2, L3, यानी कहने का मतलब L1 ये हो गया, L2 ये, L3 ये हो गया। तो इसमें हमको ये गौर करना है कि किसी किसी में L3 भी इधर पड़ता है, तो उसमें हम नीली वाली तार को L3 पर लगाएंगे, जिसमें L1 पड़ता है उसमें नीली तार L1 पर लगाएंगे, उसके बाद में L2, L3 पर काली काली तारों को हम लगा लेते हैं। ये देखिए काली काली वाली तारों को लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कीजिएगा, आपका स्टार्टर जो है 100% वर्क करेगा। तो नीली वाली तार को, लेकिन इसमें आपके मोटर के बिजली के कनेक्शन नहीं है, जो जिसमें कनेक्शन है उसको वाले वीडियो किसी के समझ में कभी कभी नहीं आते हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसा डाल दें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लगाइए, नीली वाली तार को हम अपनी तरफ से पहले पॉइंट पर लगा लेते हैं, उसके बाद में ये काली वाली तार L2 पर हो गई, ये आपका L2 रहा और ये रहा आपका L3, फिर काली वाली तार को हम L3 पर लगा लेते हैं। ये हमारे मेन लाइन के तार लग करके कंप्लीट हो गए, नीला, काला, काला। इतनी प्यार से बता रहे हैं आप लोग, समझ ना पाए तो हमारी कोई गलती नहीं है, आप लोग गौर से देखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर देते हैं तभी ये दिक्कत आ जाती है। उसके बाद में हमको देखना है कि L1 से एक तार चल करके हमारा लाल बटन पर जाता है, तो इसमें देखिए ये वाली आपकी लाल बटन रही, तो L1 का तार ये वाला, देखिए हम इसको उठा करके आप आज आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए लाल वाली बटन से चल करके पहले पॉइंट से, लाल की पहले पॉइंट से चल करके ये देखिए इधर आता है और ये L1 पर लगा होता है, ये देखिए यहाँ पर लगा होता है, ये L1 होता है, यहाँ पर लगा होता है, यहाँ से ये तार जाता है। तो इस तार को हम खोल लेते हैं, ये कपिल वाले जो हैं छल्ला बना करके देते हैं, इसको हम खोल लिए, फिर हम
रेड वाली बटन पर रेड वाला तार लगाते हैं, यानी लाल बटन पर लाल वाला तार हम लगा लेते हैं। इस प्रकार से लगा करके इसको टाइट कर देना है, स्पार्किंग नहीं रहनी चाहिए। और ये जो आपका पॉइंट बचा, इस पर हम टेप लगा करके छोड़ देंगे, इसका कोई कार्य नहीं है। यदि इसको आप इस पर लगा रखते हैं तो टू फेस होने पर आपकी मोटर को बंद नहीं करेगा, आपकी मोटर जल जाएगी। तो इसलिए इसको हम खोल देते हैं, जब खोल देंगे तो आपका ये पूरा वर्क करेगा। उसके बाद में फिर हम पीली बटन पर जाते हैं, ये आपकी रही पीली बटन। पीली बटन पर देखिए एक कॉइल का तार आता है, वो कॉइल का तार आप लोग ढूंढने में दिक्कत कर देते हैं। तो कॉइल का देखिए, ये जो मोटर के कनेक्शन होते हैं ये आपके होते हैं B2A2C2। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बगल में एक पॉइंट ये वाला होता है, ये आपका कॉइल का होता है। ये वाला तार यहाँ से चल करके, ये देखिए यहाँ से चल करके और ये पीली बटन पर आया होता है। हम लाल बटन की तरफ से बता रहे हैं, पीली बटन के दूसरे पॉइंट पर आता है और यहाँ से एक तार चल करके ये हरी बटन के पहले पॉइंट पर आता है, ये देखिए। और जो सम्राट वाले स्टार्टर होते हैं उस पर ये जो कोयल का तार होता है वो हरी बटन पर देते हैं, और बाकी अन्य पर ये पीली बटन पर देते हैं। तो इस वाले तार को हम खोल लेते हैं, कोयल वाले तार को हम खोल लेते हैं। ये तार हमारा कोयल का खुल गया, ये वाला रहा। और उसमें देखिए एक जम्फर लगा होता है हरी बटन से पीली बटन पर, इस वाले तार को नहीं खोलना है आपको। तो हम जहां से इस वाली तार को खोले हैं, कोयल के तार को, यहां पर हम पीली वाली तार को लगा लेते हैं। लगाने के बाद में इसको हम टाइट कर लेंगे। अब आपका बचा हरा वाला, ये आपका हरा वाला तार बचा। हरा वाला तार आपको यहाँ से कट कर लेना है इस प्रकार से, और जो हमने खोला था पीली बटन से ये वाला तार, इस वाले तार पर इसको हम बांध देते हैं। बांधने के बाद में इस पर हम टेप लगा देंगे, बस हमारा कनेक्शन तैयार हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। इसमें देखिए तीन लाइटें होती हैं, लाइन फॉल्ट, डेली ऑन और पंप ऑन। इस प्रकार से देखिए लाइन फॉल्ट, डेली ऑन, पंप ऑन। तो लाइन फॉल्ट का मतलब है यदि हमारे कनेक्शन गलत हुए हैं तो लाइन फॉल्ट का बल्ब इंडिकेट करेगा, और डेली ऑन वाला नहीं जलेगा, पीला वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो हम क्या करते हैं, तब हमको ये करना है, ये जो काले वाले तार हैं प्रोवेंटर के, जो काले वाले तार हैं इनको आपस में हम बदल देते हैं। इस वाले तार को खोल करके इसमें लगा देते हैं और इस तार को खोल करके इसमें लगा देते हैं, लेकिन जो आपके मेन लाइन के लगे हुए तार हैं उनको नहीं खोलना है। तो इस प्रकार से जब बदल लेंगे तो हमारी डेली ऑन की लाइट पीली वाली जलेगी। जब पीली वाली जलेगी तो हम समझ लीजिए कि हमारे कनेक्शन सब बिल्कुल सही हैं, हमारी मोटर चलने के लिए एकदम तैयार बैठी है। फिर आप क्या करते हैं, ये मैनुअल है, मैनुअल से आप ऑटो में करना है, इस बटन को आपको ऑटो में कर देना है। कुछ समय लेगी, 30 सेकंड का समय लेगी और ये मोटर आपकी स्टार में चल जाएगी। स्टार में चल जाने के बाद में फिर 5 सेकंड लेगी, 6 सेकंड लेगी, 6 सेकंड लेने के बाद में ये डेल्टा कर देगी, डेल्टा कर देगी, आपकी मोटर चालू हो गई, आपका पानी फुल हो गया, सब कुछ मेंटेन हो जाता है। यदि मान लिया हम इसको आप
बंद करना चाहते हैं तो रेड वाली बटन को, लाल वाली बटन को पुश करेंगे तो ये बंद नहीं होगा, बंद हो जाएगा लेकिन लाइट जाने के बाद में जब आएगी तब फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑटो स्विच को सबसे पहले हम मैनुअल कर लेते हैं, उसके बाद में ही लाल वाली बटन को, रेड वाली बटन को पुश करें, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।